और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा से खबर, अमरोहा में हुआ भयानक सड़क हादसा। हादसे में चार लोगों की मौत और एक की हालत नाजुक। बता दें कि अज्ञात वाहन ने टेम्पो को मारी टक्कर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन ने मारी टेम्पो को टक्कर, मौके से फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल से दिल्ली जा रहे थे मृतक। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा में हुआ भयानक सड़क हादसा। बता दें कि हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरभ चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरभ, क्या कुछ जानकारी है इस हादसे को लेकर? शीरभ अनम्यूट करें खुद को। हाँ, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद अमरोहा का है और ये हसनपुर मार्ग का है, जहां से एक ऑटो में पांच लोग सवार होकर चलते हैं और ये दिल्ली के लिए निकलते हैं। और जो लोग इसमें शामिल थे, ये सारंगपुर गांव के रहने वाले थे, जो कि जनपद संभल में है। और ये जैसे ही ये हसनपुर के करीब पहुंचते हैं, एक अज्ञात वाहन ने जो अनियंत्रित होकर इनको भीषण टक्कर मारता है। और भीषण टक्कर का नतीजा ये होता है कि इसमें जो बैठे हुए पांचों सवार लोग थे, उनमें से चारों की जान हाथों हाथ चली जाती है और एक गंभीर अवस्था में जो पुलिस मौके पर पहुंचती है, वो उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देती है। इसके बाद में डीएमएस, जिले के डीएम व एसपी ने दोनों ने ही जायजा लिया जाकर, और एसपी अमरोहा ने कहा भी है, जो आदित्य कुमार लांगे हैं, उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, जो इससे संबंधित रोड पर या जो घर बने हुए हैं उनके सीसीटीवी पे देखा जाएगा कि वो जो अनियंत्रित अज्ञात वाहन है जिसने ऑटो को टक्कर मारी है, वो कौन कौन लोग थे या कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इनको टक्कर मारी है और ये दर्दनाक हादसा हो गया है। जी बिल्कुल शीरभ, इस पर क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है? और उन लोगों को भी, उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है क्या? और जो घायल है उसकी स्थिति कैसी बनी हुई है फिलहाल? जी, मैं आपको बता दूं, जो घायल है उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और इनके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है। और जो जिलाधिकारी हैं और जो एसपी हैं जिले के, उन्होंने वहां पे मौके पे पहुंच के मुआयना किया है और इन लोग इनकी जो जो गंभीर अवस्था में है, जो घायल हुआ है, उसकी स्थिति भी चिंताजनक है। और जो एसपी हैं आदित्य कुमार लांगे, उन्होंने ये बताया है कि इसकी पूर्ण तरीके से जांच की जा रही है। जांच करने के बाद में जैसे तथ्य बाहर आएंगे, पूरी तरह से उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शीरभ तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा में भयानक सड़क हादसा। हादसे में चार लोगों की मौत और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। अज्ञात वाहन ने मारी टेम्पो को टक्कर, मौके से हुए फरार।